पंचायती चोणां नाल जुड़ी एक होर वड्डी खबर सामने आ रही है, जिथे पंचायती चोणां नूं लै के हुण हाई कोर्ट ने अपना सख्त रवैया दिखाया है। हाई कोर्ट दे वल्लों सरकार तो एक घंटे दे अंदर जानकारी मंगी गई है कि आखिर सूबा चोन कमिश्नर दी नियुक्ति किवें कीती गई है, क्योंकि लगातार हाई कोर्ट दे विच पटीशनां दाखिल कीतियां जा रही ने। इत्थे सूबा चोन कमिश्नर दी नियुक्ति नूं लैके सवाल चुके जा रहे ने, तां हुण हाई कोर्ट दे वल्लों भी इत्थे सख्त रवैया अपनाया गया है ते सरकार तो जवाब मंगया गया है कि सरकार पंचायती चोणां दी नोटिफिकेशन वापस लवेगी। ए हाई कोर्ट दे वल्लों सवाल किए गए ने कि सरकार होर सही तरीके नाल चोण करवाउण दे लई तैयार है, नहीं तां हाई कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है। दस दिए कि हाई कोर्ट दे वल्लों सख्त रवैया अपनाउंदिआं होइआं सूबा सरकार तो सवाल चुके गए ने, जवाब मंगिआ गया है। एक घंटे का समा दिता गया है कि एक घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होगा कि आखिर सूबा चोन कमिश्नर की नियुक्ति किवें की गई है, आखिर क्यों शिकायतां मिल रही ने, क्यों पटीशनां दायर हो रही ने। तो इसे लैके ही हुण हाई कोर्ट के वलों पंजाब सरकार तो जवाब मंगिआ गया है। नाल ही भी पूछा गया है कि की सरकार पंचायती चोणां की नोटिफिकेशन वापस लेगी या की सरकार होर सही तरीके नाल चोन करवाने लई तैयार है, नहीं तो इत्थे हाई कोर्ट नूं कोई ना कोई आदेश जारी करना पड़ेगा। सो इसे विचाले हुण एक घंटे का समा दिता गया है पंचायती चोणां नूं लैके, जो चोन कमिश्नर की नियुक्ति की गई है उसते जवाब मंगिया गया है हाई कोर्ट के वलों, तो पंजाब सरकार नूं एक घंटे के विच विच जवाब देना होगा।